लास्ट चैप्टर है हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री बेसिकली समझ लीजिए एंशिएंट टाइम से ये चलती आ रही है, बिल्कुल बेसिक इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे तो आप जानते ही नॉर्मली, जैसे पॉइंट किसे कहा जाता है, लाइन किसे कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सरफेस क्या होता है, एज क्या होता है, प्लेन सरफेस क्या होता है, ऑलमोस्ट ये सब इससे आप अवेयर हैं आप हर टर्मोलॉजी से। ठीक है, बाकी केस में है एक्सियम, यूक्लिड एक्सियम, कुल मिलाकर सात एक्सियम्स हैं। एक्सियम्स क्या होते हैं, जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सबसे पहला एक्सियम है, पहले ये थोड़ा सा उसको पावर व्यू कर लेते हैं। एक्सियम, पहला एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर। व्हाट डज इट मीन, अभी बात दो चीजें अगर सेम, जैसे दो चीजें हैं वो एक कॉमन चीज से सेम है तो वो एक दूसरे से भी इक्वल होगी। ठीक है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। जोया बताइए सर, अगर दो इक्वल को हम एडिट करते हैं तो आपके पास एक किलो चीनी है, एक किलो चाय की पत्ती है, आप दोनों में आधा आधा किलो बढ़ा रहे हो तो जो निकल कर आएगा टोटल आउटकम वो भी तो बराबर ही होगा क्योंकि हमने दोनों में इक्वली ऐड करा है। आप बताइए नेक्स्ट, if equal are subtracted from equal the remainder are equal। वैसे equal से equal, वैसे अगर हम equal subtract करेंगे तो उसका sum मतलब subtraction जो आएगा वो equal ही आएगा। For example, सही है मैं आपको। For example जैसे two में से अगर हम two minus करें तो उसका two में से one minus करें हाँ तो उसका answer one आएगा। चलिए नेक्स्ट, अब बताइए इस हाफ नेक्स्ट वन पढ़िए। थिंग्स विच ऑयल ऑयल को इनसाइड, थिंग्स विच ऑयल साइड विद अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। क्या मतलब हुआ इसका, यूसुफ आप बताइए सर। अगर जैसे दो ट्रायंगल अगर इक्वल है और फिर उन दोनों में फिर एक दूसरे पर डाला जाए और फिर एक दोनों को बिल्कुल क्या करते हैं छुपा लेते हैं तो फिर दोनों आपस में इक्वल होंगे। ओवरलैप, कोई साइड का दूसरा वर्ड है ओवरलैप करना। ठीक है, सपोज मैंने ये बुक है मेरे पास, दूसरी सेम एनसीईआरटी बुक इस पर रखू, ठीक है, तो क्या होगा, पीछे वाली छुप जाएगी, पलटता हूँ तो आगे वाली छुप जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं मतलब ये रख रहा हूँ उसके ऊपर, ये ओवरलैप पूरी तरह से ओवरलैप नहीं हो रहा है ना, ये ढक नहीं रहा है दूसरे को, एक दूसरे को ढक नहीं रहा है। इस मोबाइल रखने से ये पीछे वाला पार्ट नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, नजर नहीं आना चाहिए, यानी इसके चारों वर्टेक्सेस, इसके चारों वर्टेसेस, इसके चारों वर्टेसेस से टच होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है इसमें, आप बताइए। The whole is greater than the part. The whole is greater than the part. पूरा होल का वो हाफ पार्ट मतलब वो बड़ा होगा पूरा।
कोई भी बड़ी चीज आपके पास कोई भी चीज है उसका थोड़ा सा पार्ट निकाल दो, वो थोड़ा सा पार्ट थोड़ा ही तो रहेगा, बड़ा बड़ा ही रहेगा, तो बड़ा जो होता है हमेशा छोटे से बड़ा ही रहता है, ये समझ लीजिए। ठीक है जी, अब बताइए क्या क्वेश्चन नेक्स्ट। Which things which are double of the same things are equal to one another. जी जो चीजें डबल होती हैं जैसे कि दो पेन डबल है और उसमें things which are double of the same thing are equal to the other. आपके ऊपर एडिड वाला करा, आपके ऊपर सब्ट्रैक्ट वाला करा, अभी सेम डबल वाला किया, अभी वो दो डबल चीज होगी, अभी बात अभी बात सर, जो सेम चीज के जो डबल्स होंगे वो एक दूसरे से इक्वल होंगे। यस सर, सर राइट राइट, मतलब टू इक्वल टू टू, दोनों का डबल कर दो जो आया वो भी इक्वल आया। ठीक है, तो जैसे ऊपर था कि दो इक्वल चीज में इक्वल ऐड करेंगे इक्वल आएगा, दो चीज में इक्वल ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आएगा वो इक्वल आएगा, दो इक्वल चीज को डबल कर दिया जाएगा जो आएगा वो बड़ा इक्वल आएगा, बस आप बन जाएंगे। आप बताइए थिंग्स व्हिच आर हेल्प्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर, जो जो चीजें हेल्प्स होती है, चीज थिंग का मतलब ये है कि चीज पे ही है यार, चीज के अलावा भी कुछ और वर्ड यूज करिए, तो बच्चे चीज खाते वाली चीज वो भी चीज ही बोला जाता है। बताओ इसका सर, इसी सेम मैन का अगर आप हाफ करेंगे तो वो हाफ भी इक्वल होगा दूसरे के। ठीक है, अरे भाई हमने इक्वल ऐड करा, इक्वल सब्ट्रैक्ट करा, दोनों को डबल करा, दोनों को हाफ करा, बात तो वही होगी, जो आएगा इक्वल ही आएगा, हाफ करने के बाद भी इक्वल आएगा, बशर्ते वो पहले खुद इक्वल हो जाए, ये दो मार्कर हैं ये, तभी अगर मैं इन दोनों को बीच में से काटता हूं चार पीसेस मिलेंगे, चारों पीसेस बराबर तभी होंगे जब ये पहले खुद बराबर होंगे। मान लीजिए छोटे बड़े हैं और मैं इनका दोनों का हाफ भी करता हूँ, ये छोटा छोटे के बराबर होगा, बड़ा वाला जो पीस हुआ है वो भी दो इक्वल हुए हैं लेकिन वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, जैसे कि पेन ले लीजिएगा, अगर मैं पेन की बात करूँ, पेन बड़ा है, दोनों को मैं इस तरह से पोजिशन पर रखता हूँ और इनको काट देता हूँ, तो ये जो इसके पीसेस होंगे, जो इसके पीसेस होंगे वो आपस में बराबर होंगे, चारों आपस में बराबर नहीं होंगे तब तक जब तक ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसके बाद पोस्टुलेट्स है। ठीक है, पोस्टुलेट्स लिखने के लिए आते हैं, याद रखिएगा, वन मार्क के अंदर, वन मार्क में तो मुश्किल है आपके से, क्योंकि एमसीक्यू आने वाले हैं, भी हो सकता आ जाएंगे एमसीक्यू के अंदर आ जाए कि पोस्टुलेट नंबर 5 ये है, पोस्टुलेट नंबर 3 ये है, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा, तो इनको रटना है आप लोगों को। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं जिनका प्रूफ करना जरूरी नहीं है। ठीक है, और एग्जाम क्या होते हैं यूनिवर्सल रूल होते हैं। ठीक, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट्स एनी अदर पॉइंट्स, क्या मतलब हुआ इसका, जी जी बस बोलिए, एक स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट से शुरू होकर किसी भी पॉइंट पर जाती है। जी ठीक है, कोई एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ड्रॉन कहाँ से बनाया जा सकते हैं, किसी भी पॉइंट से बनाया जा सकता है, कहाँ तक बनाया जा सकते हैं, अगले पॉइंट तक बनाया जा सकता है, और इनफाइनाइट भी बनाया जा सकता है।
ये आपको याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट पोस्टुलेट ये है, सेकंड पोस्टुलेट ये है, क्या है सेकंड पोस्टुलेट, क्या मतलब हुआ इसका, टर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है, जिसके दो पॉइंट एंड पॉइंट ना हो या हो, तो एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, अगर आप उन दोनों को एक्सटेंड करना चाहें तो हो सकती हो, ठीक है, पॉइंट से, क्योंकि उसमें पॉइंट तो है लास्ट में, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल बना हुआ है, देखो ध्यान से, फिगर बनी हुई है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सेकंड पोस्टुलेट जो है वो लाइन पर बेस्ड है, तीसरा पोस्टुलेट क्या है, सर्कल कैन बी ड्रॉन एनी विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, थर्ड पोस्टुलेट जो है वो सर्कल पर है, चौथा और राइट एंगल आर इक्वल टू अनदर, जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, सब आपस में बराबर हैं। नेक्स्ट, अक्सर ये आ जाता है, फिर बताइए यूसुफ, अगर एक स्टेप जैसे अगर दो लाइन है और फिर उसके बीच में अगर आप ट्रांसवर्सल डालते हैं, दो पैरेलल लाइन है, तो उनके जो कोइंटीरियर जो एंगल होंगे उनका सम 180 होगा, अगर वो उससे छोटा बड़ा 180 से, तो फिर वो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है, बल्कि इसको अपनी कॉपी पे भी लिखना है।